रिस्टोरेशन बिग फुट फायर ट्रक। सुंदरपुर में एक मोहित नाम का आदमी रहता था, जो एक नंबर का कंजूस खोपड़ी था। चाय में मक्खी पड़ जाए तो उसे भी वो चूस के फेंकता। मोहित के पास एक गाड़ी थी, वो कहीं भी जाता तो एक हुक के जरिए दूसरी गाड़ी में हुक फंसा के उस गाड़ी के पीछे पीछे चलता। कुछ दिनों बाद मोटी डाउरी के लालच में एक लड़की से शादी कर लेता है, जो बहुत ही खर्चीली और बहुत नकचड़ी थी। एक दिन वो कहती है, सुनो जी, मुझे घर का काम करने का मन नहीं करता। तेरे बाप ने भर दिया है ना मेरी तिजोरी, जो तेरे लिए बाई लगाऊंगा काम करने के लिए। सुनो जी, कह देती हूँ, अगर मेरे पापा पे गए तो ठीक नहीं होगा। और तुम कभी कभी भूल जाते हो कि मेरा बाप पुलिस में है, बिना बात अंदर कर देंगे, इतना मारेंगे ना कि आपको आपकी नानी याद आ जाएंगी। पुलिस की बात सुनते ही मोहित घबरा जाता है। अरे, मेरी जान भड़कती क्यों हो, करता हूँ ना कुछ जुगाड़। अभी ना इस महीने थोड़ा कम पैसे मिला है, अगले महीने देखते हैं, ठीक है? ऐसा बोल मोहित वहाँ से तुरंत भाग जाता है। एक दिन मोहित एक गाड़ी के पीछे लटक के आ रहा था, तभी वो गाड़ी अचानक मुड़ जाती है और मोहित जाके कुछ औरतें खड़ी थी उनसे टकरा जाता है। औरत जोर से गिरती है। हाय रे, मर गई, कमर टूट गई रे, नास पिटे करम चले, तुझे इतनी बड़ी औरत दिखाई नहीं देती, आग के अंधे। अरे कंजूस खोपड़ी, कभी पेट्रोल डालकर गाड़ी चला लिया कर, मुफ्तखोर कहीं का। आंटी अपने काम से काम रखो ना, ज्यादा बुआ बनने की कोशिश मत करो, जाओ यहाँ से। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। एक दिन पड़ोस वाले मिश्रा जी अपने लिए एक कार लेकर आए, उसको मोहित की पत्नी देख लेती है। सुनो जी, पड़ोस वाले मिश्रा जी ने नया कार लिया है, बहुत सुंदर है उनका कार। अरे तो मैं क्या करूं, उसके ससुर ने दिया है उसको, और मेरे ससुर को धमकी देने के अलावा आता क्या है। तुम ही नहीं बोलती अपने पापा से कार के लिए। शादी करके तुम लाए हो या कोई और, कल के कल मुझे कार चाहिए, नहीं तो सोच लो। तो पेट्रोल का जरा बाप डलवाएगा। मैं नहीं जानती, मुझे कल के कल कार चाहिए। ऐसे बोलकर वो चली जाती है। इधर मोहित अपने दोस्त से जाकर मिलता है और सभी बातें बताता है। तो ठीक है, तू कोई सेकंड हैंड कार ले ले, इससे तेरी नया कार का पैसा और पेट्रोल का पैसा दोनों बचेगा। हाँ सही कहा तुमने। दोनों सेकंड हैंड कार बेचने वाले के पास जाते हैं और कार के लिए पूछते हैं। मेरे पास तो कोई कार नहीं है, लेकिन एक फायर ट्रक है जिसका हालत बहुत खराब है, उसको तुम लोग फ्री में ले जाओ। फायर ट्रक का हम क्या करेंगे? अबे ले ले, फ्री में तो मिल रहा है, और तू तो इतना बड़ा कंजूस है कि फ्री में मिला जहर भी खा ले। और सुन, इसको रिपेयर कर, कहीं आने जाने में तो काम आएगा, और तो और अगर किसी को फायर ट्रक की जरूरत पड़ी तो उसको पैसा लेके मदद भी कर सकते है। अरे वाह, ये हुई ना बात, तू मेरा सच्चा दोस्त है। फिर दोनों उस फायर ट्रक को ले जाते है। गैरेज में जाकर दोनों फायर ट्रक का रिस्टोरेशन करवाते हैं। पहले सभी जंग को निकालते हैं, फिर उसको अच्छे से धोते हैं, फिर नया पेंटिंग करते हैं, जिससे वो बिल्कुल नया जैसा लगता है। ट्रक रिस्टोरेशन वाला मोहित से कहता है, साहब इसका तो टायर बहुत खराब है, अब कैसे करना? कोई सेकंड हैंड टायर लगा दो। यहाँ भी सेकंड हैंड? साले तेरी पूरी लाइफ सेकंड हैंड हो गई है कंजूस खोपड़ी गई का। साहब मेरे पास नॉर्मल ट्रक का टायर नहीं है, लेकिन एक मोटर ट्रक का बड़ा बड़ा टायर रखा हुआ है, को तो उसको लगा दूं? हाँ हाँ लगा दो। फिर रेस्टोरेशन वाला फायर ट्रक में बड़ा बड़ा टायर लगा देता है और बिग फुट फायर ट्रक बन जाता है। फिर दोनों उस ट्रक को लेकर चले जाते है। अपनी पत्नी को जाके दिखाता है, जिसे देख उसकी पत्नी उसे कहती है, हे भगवान, क्या करूं मैं इस इंसान का, क्या बोला था और क्या ले आए, किस मूर्ख से पाला पड़ा है मेरा, अब इस फायर ट्रक का क्या अचार डालूंगी। अरे ओ मूर्खों की सरदारनी, पहले पूरी बात तो सुन लिया कर, बिना सुने कैची की तरह कचर कचर चलती रहती हो। बको क्या बकना है। अरे ये ट्रक हमको फ्री में मिला है, बस इसको रिस्टोर करने का पैसा लगा है। आ गए ना अपने औकात पर, फ्री का मिला नहीं कि आ गए बिग फुट फायर ट्रक लेके, अब करोगे क्या इसका। अरे सुन तो ले भाग्यवान, अरे इस फायर ट्रक से कहीं आ जा सकते हैं, ऊपर से फायर ट्रक है बोलकर सभी हमको साइड दे देंगे, जिससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ऊपर से कहीं किसी को मदद की जरूरत पड़े तो पैसा लेके उसकी मदद भी कर सकते हैं, और तो और बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा बोलकर मोहित उसको सभी फायदे बताता है, जिससे पत्नी मान जाती है और वो कहती है, ठीक है अब आप बोल रहे तो मैं मान जाती हूँ,
लेकिन अच्छी कमाई के बाद मेरे लिए कार जरूर खरीदना। जरूर मेरी जान। फिर दूसरे दिन से उस बिग फुट फायर ट्रक में दोनों घूमते हैं और कहीं किसी की मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। आपको हमारी ये कहानी सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। टिकटॉक वाली गर्ल्स। ये कहानी है भिलाई नगर में रहने वाली एक लड़की की जिसका नाम था हेमा। हेमा बहुत ही गरीब घर से थी। उसके पापा पास के ही गैरेज में काम करते थे। हेमा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी और बहुत ही गुणवान लड़की थी। एक दिन उसके पापा गैरेज में काम कर रहे थे, तभी हेमा स्कूल से आई। पापा पापा, आज मैंने स्कूल में टॉप किया है। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटी। तुम मेरा नाम हमेशा रोशन करती है। सचमुच बेटी, तुम वाकई में बहुत गुणवान लड़की हो। कुछ दिन बाद, पापा मुझे पढ़ाई के लिए शहर जाना है। पर बेटी, हम इतना सारा पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? पापा कुछ भी करके पैसे जुगाड़ करो ना, मैं और आगे पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, मैं देखता हूँ मुझसे क्या बन पाता है। पापा गैरेज में उदास होकर बैठा रहता है। क्या हुआ नेमी चंद, तुम आज इतना उदास क्यों लग रहे हो? साहब, मेरी बेटी स्कूल में फर्स्ट आई है और वो पढ़ने के लिए कॉलेज जाना चाहती है, पर मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं उसको कॉलेज भेज सकूं। अच्छा चलो, सरपंच के पास इस समस्या की किसी ना किसी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। फिर दोनों सरपंच के पास पहुंचते हैं और अपनी सारी परेशानियां बताते हैं। मुझे भी पता है कि तुम्हारी बेटी बहुत ही गुणी और बहुत ही होशियार लड़की है। एक काम करते हैं, हम सब गांव वाले थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उसको शहर पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं। बहुत अच्छा सुझाव है आपका। सारे गांव के लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, हेमा को पढ़ाई करने के लिए मुंबई शहर भेजते हैं। हेमा अपनी सहेली के साथ एक हॉस्टल में रुकती है और दूसरे दिन कॉलेज को जाती है। कॉलेज के नजदीक पहुंचने पर देखती है कि वहाँ के लड़के अजीब अजीब से हेयर स्टाइल किए थे और रंग बिरंग के कपड़े पहने थे और मोबाइल के सामने कैमरे ऑन करके अजीब अजीब से डांस कर रहे थे। हेमा उनके पास में जाकर उनको देखती है। हेमा को कुछ अजीब सा लगता है, फिर उनको छोड़कर थोड़ा सा आगे जाती है तो कुछ लड़कियां अजीब अजीब से कपड़े पहने, अजीब अजीब से हेयर स्टाइल करके वो लोग भी नाच रहे थे। हेमा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लोग ऐसे पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। इन सब को इग्नोर करते हुए वो अपने क्लासरूम में पहुंची। वहाँ भी सभी लोग अपने अपने मोबाइल में लगे हुए थे और जैसे ही सभी लोगों की नजर हेमा के ऊपर पड़ी तो सभी के सभी उसके ऊपर हंसने लगे, क्योंकि वह गांव से आई थी। वह अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर आई थी। बेचारी हेमा पहली बार तो शहर आई थी, उसमें भी सब के सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। हेमा उदास होकर बैठ गई। क्लास खत्म होने के बाद जब वो घर जाने निकली तो सारे लोग उसको देखकर मजाक उड़ा रहे थे। अरे ये देखो क्या कपड़े पहनी है। हाँ यार, किस जमाने की कपड़े पहनी है। पता नहीं कहां कहां से लोग यहां पढ़ने आ जाते हैं, इसको ना तो ड्रेसिंग का सेंस है ना ही चलने का। और वो भी हंसने लगती है। शाम को हेमा अपने रूम में उदास होकर बैठी रहती है, तभी उसकी सहेली उसे आकर पूछती है। क्या हुआ हेमा, तू इतनी उदास क्यों है? पता नहीं, लोग आज जब मैं कॉलेज गई तो सबके सब लोग मोबाइल के सामने अजीब अजीब से हरकतें कर रहे थे और जैसे ही मैं क्लासरूम के अंदर गई, सबके सब मेरे कपड़ों का मजाक उड़ा रहे थे। अरे ये ना सब टिकटॉक के कारण हुआ है। टिकटॉक? ये कौन सी बला है? अरे तुझे टिकटॉक के बारे में नहीं पता? नहीं तो? अरे टिकटॉक एक एप्लीकेशन है जिसमें पूरी दुनिया के लड़की लड़के अपना अपना टैलेंट दिखाते हैं और उसमें वीडियो बनाकर डालते हैं। चाहे आपके पास कैसा भी टैलेंट और आपका अगर कुछ फॉलोअर हुआ तो आपको बहुत पैसे मिलते हैं।
इसके बाद हेमा सो जाती है और रात भर सोचती रहती है। सुबह उठकर हेमा कॉलेज नहीं जाती और एक ब्यूटी सैलून में चली जाती है और वहां से पूरा मेकओवर करके निकलती है। हेमा तो बिल्कुल पहचान ही नहीं आ रही थी कि वही लड़की है जो गांव से आई थी। हेमा जैसे ही कॉलेज पहुंची, सारे लड़के उसे देख देख कर गिर रहे थे। लड़कियां तो जल जल कर राख हुए जा रही थी। उसके बाद हेमा जिस काम से पढ़ाई लिखाई करने आई थी उसे छोड़ के दिन रात टिकटॉक बनाने में लग गई। वो भी शहर के लड़के लड़कियों की तरह अजीब अजीब से हरकतें करना चालू कर दी। हेमा ने कॉलेज की एक टिकटॉक बनाने वाली टीम में शामिल हो गई। टीम 007 और टीम कबाब उनके साथ रहकर अजीब अजीब सा वीडियो बनाते। एक दिन हेमा ने सोचा चलो आज घर जाया जाए, बहुत दिन हो गए हैं। हेमा अपने गांव चली जाती है लेकिन वहां के लोग हेमा को पहचानते ही नहीं। हेमा के माता पिता भी उसको पहचान नहीं पाते। अरे बेटी, ये तुमने क्या पहना है? तुम बिल्कुल भी पहचान नहीं आ रही हो। मम्मी, ये लेटेस्ट फैशन है, शहर में सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही बाल रखते हैं। अगले दिन ही हेमा अपने गांव की सहेलियों से, तुम तो बिल्कुल हीरोइन जैसी लग रही हो, क्या बात है, तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छी है यार, हम लोग को देखो गांव में पड़े हुए हैं। ये मेरे टिकटॉक के कारण हुआ है, इससे मैं फेमस हो गई हूँ और पैसा भी कमाने लगी हूँ। फिर हेमा ने सब कुछ अपनी सहेलियों को समझा दिया और गांव के लड़कों को भी इसके बारे में सब कुछ बता दिया। उसके बाद दूसरे दिन शहर वापस आ गई, लेकिन वह जो टिकटॉक की वायरस गांव में छोड़कर आई थी उसका रिजल्ट तो अभी आना बाकी था। धीरे धीरे गांव के सारे लड़के और लड़कियां टिकटॉक के पीछे पागल हो गई। ना तो पढ़ाई लिखाई करते थे, ना घर का कुछ काम करते थे, दिन भर मोबाइल में टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। लड़के लड़कियां बनकर घूम रहे थे और लड़कियां लड़के बनकर घूम रही थी। पूरा अजीब सा माहौल हो गया था। कुछ दिन बाद हेमा फिर अपने गांव वापस आई तो देखा कि गांव का माहौल ही चेंज हो गया था। कुछ लड़के मोबाइल के सामने अजीब अजीब से हरकतें कर रहे थे। हेलो, मेरा नाम सनी लियोन है। हेलो, मेरा नाम मलिका शेरावत है। हम अभी खीरा खा रहे हैं, क्या आप खीरा खाओगे? हेमा उनको देखती है। इस मामले में गांव की लड़कियां भी कुछ पीछे नहीं रही थी, वो लोग भी अजीब अजीब से हरकतें कर रही थी। कुछ दूर बाद हद तो तब हो गई जब कुछ लोग प्रैंक के चक्कर में बुजुर्गों को परेशान कर रहे थे। उसके बाद ही हेमा अपने घर चली गई। घर जाते ही उसके माता पिता उससे बोले, बेटी इस बार क्या नया लेकर आई हो? पिछली बार जो तू गांव में आफत डालकर गई है, सारे गांव के लड़के लड़कियां अपना काम धाम पढ़ाई लिखाई छोड़कर अजीब अजीब से हरकतें कर रहे हैं। हाँ बेटी, हमने क्या तुमको इसी के लिए शहर भेजा था? उसके बाद सरपंच भी उसके यहाँ आ जाते हैं। हेमा बेटी, ये तूने क्या फैला दिया है, गांव में सारे लड़के लड़कियां पागल हो गए हैं। हम सब तुमको इसी कारण शहर भेजे थे, हमने सोचा था कि तुम गांव का नाम रोशन करोगी, लेकिन तूने तो पूरे गांव को ही पनौती बना दिया। हेमा को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं शहर में पहली बार गई थी, उस शहर के चकाचौंध ने मुझे अपने मकसद से भटका दिया था, मुझे एक बार बस माफ कर दीजिए। हाँ सरपंच साहब, इसको एक बार बस माफ कर दीजिए। मेरे माफ करने या ना करने से क्या होता है, गांव के सभी बच्चों में तो यह वायरस घुस ही गया है। इसके बाद हेमा गांव के सभी लड़के और लड़कियों को समझाती है कि आज के बाद ये सब मत करो। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, कोई भी प्लेटफॉर्म गलत या सही नहीं होता, हम उसको गलत या सही बनाते हैं। सभी जगह अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग भी हैं जो इन प्लेटफॉर्म से निकल कर आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन है कुछ कचड़े लोग जो ऐसे प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद किसी के आहतों को ठेस पहुंचाना नहीं है, ये वीडियो आपके एंटरटेनमेंट के लिए है।